नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये समास जो अपनी सीरीज चल रही है हिंदी की, उसका लास्ट वीडियो है। इसके पहले मैं तीन वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। तीन वीडियोस में दोस्तों मैंने आपको अव्ययभाव समास करवाए पहले वीडियो में, दूसरे वीडियो में आपको जो है द्विगु समास तथा बहुव्रीहि समास करवाया, और तीसरे वीडियो में दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट तत्पुरुष समास करवाया, जिसमें उसके सभी एग्जाम्पल्स, सभी भेद जो हैं वो उदाहरणों सहित आपको करवाए। वहाँ से आपको इतने एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता दोस्तों नहीं है। और सेम द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास इस वीडियो में दोस्तों मैं करने वाला हूँ, आपको कंप्लीट डिटेल से यहाँ पढ़ाया जाएगा। सारे एग्जाम्पल जो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको करवाए जाएंगे, यानी कि आपको इधर उधर भटकने की दोस्तों बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं रहेगी। तो दोस्तों, अगर चैनल का कार्य आपको पसंद आ रहा है, हमारा कार्य आपको पसंद आ रहा है, तो दोस्तों इस वीडियो को जो है अभी लाइक कर दीजिए, और पूरा वीडियो देखने के बाद दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का अपना टॉपिक, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास के आपको मैं ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दोस्तों करवा दूंगा कि आपको बहुव्रीहि समास का जो है कहीं से भी दूसरी जगह जाने की आपको आवश्यकता नहीं होगी, बहुत ही शानदार तरीके से करवा देंगे। द्वंद्व समास भी आपको अच्छे प्रकार से करवाया जाएगा। द्वंद्व समास जो है वो होता क्या है, इसमें दोनों या उभय पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्राय एक दूसरे के विलोम शब्द दोस्तों इसमें होते हैं, यानी कि एक दूसरे के जो विलोम शब्द हैं वो द्वंद्व समास वाले में आपको मिलेंगे। याद रखना दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको सभी समास में पहचानने की ट्रिक मैंने आपको बताई। अव्ययभाव समास में मैंने आपको उपसर्ग बताया कि कौन से उपसर्ग से शुरू होगा, तो अव्ययभाव समास होगा। क्रमधारय समास में मैंने आपको बताया कि एक पद विशेषण होगा, दूसरा विशेष्य होगा, उपमेय उपमान होगा, तो उसकी भी आपको मैंने ट्रिक बताई। द्विगु समास में संख्या वाली ट्रिक आपकी है। उसके बाद तत्पुरुष समास जो है उसमें कर्म कारक से लेकर के आपका जो अधिकरण कारक तक है वो सारे के सारे जो है आपके उसमें प्रयोग होते हैं, यानी कि आठ कारक हैं, दो कारक को छोड़ दे, यानी एक तो आपका कर्ता कारक और एक आपका संबोधन कारक, उनके कारक चिन्ह प्रयोग नहीं होंगे, बाकी सभी के प्रयोग होंगे। इसके अलावा कारक चिन्ह के अलावा जो और भी हैं वो भी एक्स्ट्रा भी मैंने आपको कराया, जैसे नए तत्पुरुष समास है, उपसर्ग वाले नए तत्पुरुष समास में होंगे, तो इस प्रकार से ट्रिक्स भी आपको बताई। और द्वंद्व समास में भी दोस्तों क्या होता है, एक ट्रिक यही है कि एक दूसरे के इसमें विलोम शब्द जो है वो पाए जाते हैं। तो विलोम शब्द वाला कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास दोस्तों होगा, सीधी सी बात है। अब दोस्तों देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, समस्त पद का विग्रह करने पर बीच में और या अथवा शब्द लगता है। अब या और अथवा कहाँ लगता है दोस्तों, या और अथवा, और तो हम लगा देंगे ये, लेकिन या और अथवा कहाँ होगा, या और अथवा दोस्तों वहाँ होगा अगर दो दिए गए शब्द विलोम हैं एक दूसरे के, जैसे लाभ हानि, तो लाभ अथवा हानि या फिर लाभ या हानि, इसका आंसर जो है वो बिल्कुल विग्रह इसका रहेगा। अब दोस्तों आम तौर पे जो है विलोम शब्द होते हैं प्राय, लेकिन फिर भी अगर नहीं भी होंगे तो अपने को विलोम लगेंगे, जैसे माता पिता विलोम लग रहे हैं एक दूसरे के, तो माता और पिता, दाल रोटी, दाल और रोटी, पाप पुण्य, यानी कि दो चीज़ें जो साथ साथ चलती हैं वो इस द्वंद्व समास में आएंगे। दो चीज़ें जो साथ साथ चलती हैं वो द्वंद्व समास में दोस्तों हमेशा आपको मिलेंगी, बिल्कुल सीधे सीधे इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे माता पिता, माता और पिता, दाल और रोटी, पाप पुण्य, पाप या पुण्य, या पाप और पुण्य भी इसका हो सकता है, अन्न जल, अन्न और जल, जलवायु, जल और वायु, फल फूल, फल और फूल, भला बुरा, भला या बुरा। अब दोस्तों फल फूल में अपन फल या फूल नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि फल अलग है और फूल अलग है। भला बुरा में आप या लगा सकते हो, क्यों, क्योंकि दोस्तों एक दूसरे की ये क्या है, विलोम है। भला का जो विलोम होता है वो क्या होता है, बुरा होता है, लेकिन फल का विलोम जो है वो फूल दोस्तों नहीं होता, इसलिए यहाँ पे और लगाया गया है। भला और बुरा में जो है वो एक दूसरे के विलोम है, भला और बुरा, तो यहाँ पे या अथवा लगाया जा सकता है। रुपया पैसा, रुपया और पैसा, अपना पराया, अपना या पराया, नील लोहित, नील या नीला या लोहित, यानी कि लाल, नीला या लाल, ठीक है दोस्तों। धर्मा अधर्म, धर्म या अधर्म, दोस्तों कुछ आपको यहाँ पे जो है आप बोलोगे कि ये एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं है, फिर भी या क्यों लगा, तो दोस्तों कुछ अपवाद भी होते हैं लेकिन ज़्यादातर इसी प्रकार से होते हैं। तो हिंदी में जो ट्रिक्स काम नहीं करती दोस्तों, आप जितना इसको पढ़ोगे, जितना शब्दों को पहचानोगे, उतना ही आप कर पाओगे। धर्माधर्म, धर्म या अधर्म, राधे श्याम, राधा और श्याम, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी और नारायण, हरिहर, हरि और हर, भाई बहन, भाई और बहन, नर नारायण, नर और नारायण, राम भरत लक्ष्मण, राम और भरत और लक्ष्मण,
चला चल, चल या चल। दोस्तों चला चल क्या होता है, चल या चल, और इसमें होगा द्वंद्व समास। लाभ हानि, लाभ या हानि, लाभ होगी या फिर हानि होगी, लाभ हानि, तो यहाँ पे द्वंद्व समास। चाय वाय, चाय आदि, चाय वाय होगा दोस्तों आपका चाय आदि, ठीक है, इसमें भी द्वंद्व समास होगा। इसके अलावा सुरासुर, सुर और असुर, शीतोष्ण, शीत या उष्ण, यशाप्से होगा यश या अपयश, शीतातप होगा शीत या आतप, शस्त्रास्त्र होगा शस्त्र और अस्त्र, कृष्णा अर्जुन होगा कृष्ण और अर्जुन, अड़ोस पड़ोस पड़ोस आदि, अगल बगल बगल आदि, आमने सामने सामने आदि, रोटी वोटी रोटी आदि, पानी वानी पानी आदि। जैसे पानी वानी है, रोटी वोटी अपन बोलते हैं ना, अड़ोस पड़ोस अगल बगल, ये जितने भी शब्द जो हैं आपका चाय वाय, ये शब्द अपन आमतौर पर काफ़ी बोलते हैं। इसमें सारे में क्या होगा दोस्तों, द्वंद्व समास होगा, और एक जो आपके विलोम वाले या फिर एक दूसरे के साथ साथ जो हमेशा प्रयोग में आते रहे हैं वो शब्द जो हैं वो द्वंद्व समास के एग्जाम्पल दोस्तों रहेंगे। अब देखिए दोस्तों, नोट है कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं तथा दहाई के अंकों को छोड़ के सभी अंकों में द्वंद्व समास होता है। दहाई के अंक कौन से होते हैं, जैसे 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, यानी कि जिसमें 0 0 आए उन शब्दों उन संख्याओं को छोड़ दो, बाकी सारी संख्याएं जो वो द्वंद्व समास की एग्जाम्पल होती हैं। जैसे 25, 5 और 20, 15, 5 और 10, 63, 3 और 60, 67, 7 और 60, 88, 8 और 80, 2 4, 2 या 4, 20, 25, 20 या 25, 205, 200 और 5, 1 1, 1 और 1, 59, 59 या उन्नत। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है ये जो है यहाँ पे आपका 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं को छोड़कर के बाकी सभी संख्याएं जो हैं वह क्या होंगी, आपके द्वंद्व समास के एग्जाम्पल होंगी। अब दोस्तों एक एक जो शब्द है वो द्वंद्व समास में कैसे है, क्योंकि ये एक नहीं है, ये एक नहीं है दोस्तों, एक नहीं है, ये क्या है, एक एक है, इसलिए एक और एक, इसमें एक और एक, दो संख्याएं एक और एक, तो ये जो है एग्जाम्पल किसका होगा, आपका द्वंद्व समास का एग्जाम्पल होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं कि एक एक में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास दोस्तों होगा। ये था आपका दोस्तों द्वंद्व समास, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल पूरे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही शेयर भी ज़रूर करें। शुरू करते हैं दोस्तों अपना लास्ट समास, बहुव्रीहि समास। तो दोस्तों बहुव्रीहि समास में क्या होगा, दोनों पद अप्रधान होंगे, कोई तीसरा पद ही इसमें प्रधान होता है। समस्त पद के विग्रह के अंत में जो वह है, जिसका, जिसकी, जिसके आदि शब्द लिखा जाता है। यदि कोई यौगिक शब्द किसी वस्तु विशेष पर्यायवाची है तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा। यदि कोई यौगिक शब्द किसी वस्तु विशेष का पर्यायवाची है तो वह बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा। जैसे गजानंद, यानी कि गजानंद दोस्तों किसका पर्यायवाची है, गजानंद जो है श्री गणेश का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए गजानंद में जो है बहुव्रीहि समास होगा। इस लाइन का यही अर्थ है, बस यही सीधा सा अर्थ है, यानी कि जिस शब्द का आपको एक विशेष जो है अर्थ मिल जाए, विशेष पर्यायवाची जिस शब्द का होगा उसमें आपको 100% बहुव्रीहि समास लगाना है। ठीक है दोस्तों, गजानंद होगा, गज है आनंद, गज का आनंद है जिसका वह है श्री गणेश। ये दोस्तों लिखना नहीं है आपको, इसका जो गजानंद का समास विग्रह होगा वो क्या होगा, गज का आनंद है जिसका वह, बस इतना ही होगा, और अपन दिमाग में रहेगा क्या होता है वो, श्री गणेश। त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके वह, यानी कि शिव। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी वह, यानी कि विष्णु। षडानंद, षट आनंद हैं जिसके वह, यानी कि कार्तिक के। दशानंद, दस आनंद हैं जिसके वह, यानी कि रावण। घनश्याम, घन जैसा श्याम है जो वह, श्री कृष्ण। पीताम्बर, पीत अंबर हैं जिसके वह, यानी कि विष्णु। विष्णु जो है वो पीले वस्त्र पहनते हैं तो विष्णु इसको लगाएंगे, ठीक है। चंद्रचूड़, चंद्रचूड़ पर है जिसके वह, चंद्रचूड़ पर है जिसके वह, क्या हो जाएगा आपका चंद्रचूड़, और ये आपका भगवान शिव के लिए प्रयोग किया गया, चंद्रचूड़ पर है जिसके वह, तो चंद्रचूड़ का हो जाएगा बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट आपका गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला है जो वह गिरिधर। मुरारी, मुर का अरी है जो वह मुरारी। आशुतोष, आंसू प्रसन्न, आंसू ही प्रसन्न होने वाला है जो है आशुतोष। नील लोहित, नीला है लहू जिसका वह। वज्रपाणी, वज्र है पानी में जिसके वह। सुग्रीव, सुंदर है ग्रीवा जिसकी वह, हो जाएगा सुग्रीव। मधुसूदन, मधु को मारने वाला है जो है मधुसूदन, यानी कि श्री कृष्ण। आजानु बाहु,
जानुओं यानी घुटनों तक बाहुएं हैं जिसकी, यानी जानुओं तक बाहुएं हैं जिसकी वह यानी कि श्री राम, नीलकंठ नीला कंठ है जिसका वह यानी कि शिव, महादेव देवताओं में महान है जो है यानी कि शिव, मयूर वाहन मयूर है वाहन जिसका वह, यानी कि इस प्रकार से दोस्तों अपन देख सकते हैं आसानी से कि यानी कि जिस शब्द का एक विशेष पर्यायवाची शब्द हो वो हमेशा आपका बहुव्रीहि समास होगा। कमल नयन कमल के समान नयन है जिसके वह, कनकटा कटे हुए कान का है जिसके वह। तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से आप इनको कर सकते हो। फिर जलज जल में जन्मने वाला है जो है कमल हो जाएगा इसका। और वाल्मीकि क्या होगा, वाल्मीकि से उत्पन्न है जो है वाल्मीकि। दिगंबर दिशाएं हैं ही हैं जिसका अंबर ऐसा वह। कुशाग्र बुद्धि कुश के अग्रभाग के समान बुद्धि है जिसकी वह। दोस्तों कुश एक अपने यहाँ पे घास पाई जाती है जिसका आगे का भाग काफ़ी तीखा होता है, इसलिए तीव्र बुद्धि वाला होता है, इसको कुशाग्र बुद्धि इसलिए बोला जाता है। कुश के अग्रभाग के समान बुद्धि है जिसकी वह कुशाग्र बुद्धि वाला होगा। मंद बुद्धि मंद है जिसकी बुद्धि वह। जितेंद्रिय जीत ली है इंद्रियां जिसने वह। चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाली है जो है। अष्टाध्यायी अष्ट अध्यायों की पुस्तक है जो है अष्टाध्यायी। रावणारी रावण का अरी है जो है यानी कि श्री राम, रावण को मारने वाले। वैशाख नंदन वैशाख का नंदन है जो है, इसको दोस्तों वैशाख नंदन जो उसका पर्यायवाची होगा गधा, तो गधे को वैशाख नंदन बोला जाता है, तो वैशाख का नंदन है जो वह यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। सत्यव्रत सत्य का व्रत ले लिया है जिसने वह, सत्यव्रत होगा। वज्रांग वज्र के समान अंग हैं जिसके वह, यानी कि दुर्योधन एक प्रकार के हो जाएंगे यहाँ पे, वज्रांग हो जाएगा। ठीक है। पंचवटी पांच ही वट हैं जिसके वह, पंचवटी। शूल पाणी शूल है पाणी में जिसके वह, शूल पाणी होगा। मनोज मन में उत्पन्न होता है जो वह, मनोज। पवन पुत्र पवन का पुत्र है जो वह, पवन पुत्र होगा। गौरी पुत्र गौरी का पुत्र है जो है, गौरी पुत्र। जल कुंभी जल में उत्पन्न होती है जो कुंभी, या फिर जल में उत्पन्न होती है जो है जल कुंभी। नरों का ईश है जो वह नरेश। रमा का ईश है जो है रमेश। भूतों का ईश है जो है भूतेश, यानी कि आपका भगवान श्री कृष्ण, सॉरी भगवान शिव शंकर, भूतेश बोला जाएगा। भूतों का ईश है जो है भूतेश यानी शिव शंकर। जलज जलज का दोस्तों आपका ये पर्यायवाची शब्द दे रखे हैं। जलज का अर्थ होता है दोस्तों आपका कमल, और जलद का अर्थ होता है दोस्तों बादल। तो याद रखिएगा जलज का अर्थ क्या होता है, जलज का अर्थ दोस्तों होता है आपका कमल, और जलद का अर्थ होता है आपका बादल। और यहाँ पे जलज शब्द का पर्यायवाची भी करवाया गया है, जलज यानी कि जल में जन्मने वाला है जो है यानी कि कमल। तो जलज का अर्थ होता है दोस्तों कमल, और जलद का अर्थ होता है बादल। ये एग्जाम्पल पूछा गया एग्जाम्पल एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये होता है बहुव्रीहि समास, इसी के साथ समाप्त। और उम्मीद करता हूँ ये एग्जाम्पल्स आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं और एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, इनको नोट जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को शेयर करें, चैनल वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही लोगों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।